बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी संस्था को लीड करने वाले राणा गुप्ता जी ने बताया है कि 97 घर और दुकान पे अटैक किया गया है और 10 मंदिरों पर। इसमें कम से कम 100 लोग जख्मी हुए हैं और कुछ लोग मारे भी गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले मोहम्मद यूनुस ने भी कहा है कि बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिजाइन कर देंगे। बहुत सारी वीडियो फोटो भी सामने आ रही है जिसमें मुसलमान लोग मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि हिंदू भाइयों की रक्षा करें। हजारों हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ साथ हजारों मुसलमान भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ नफरती लोग जो हैं वो हर कौम में होते हैं जो माहौल खराब करने का काम करते हैं। अब भारत की मीडिया और नफरती लोगों को देख लीजिए जो फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें ये लड़की की वीडियो फेक है, बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर का घर जलाया गया, फेक न्यूज़ है, या फिर ये वाली वीडियो हो। इसके अलावा बहुत से न्यूज़ हैं जो गोदी मीडिया और भक्तों द्वारा गलत फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। जिस तरीके से मणिपुर में गलत हो रहा है, फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हो रहा है।